आज मैं आपको लेके चल रही हूँ संतोषी माता के मंदिर में, जो कि स्वयं प्रकट हुई थी माता यहाँ पे। ये है जोधपुर के लाल सागर में कृषि मंडी के पास। तो ये देखिए पहाड़ों के बीच से होते हुए हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, आप सबका मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। हम आ गए मंदिर। माता स्वयं प्रकट हुई थी माता यहाँ पे, उनकी मूर्ति यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी और बहुत चमत्कारी मंदिर है और इनकी मान्यता भी बहुत है। शुक्रवार के दिन माता का दिन होता है, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। आज हम मंगलवार के दिन आए हैं तो कोई इतनी भीड़ नहीं है। देखिए यहाँ अंदर प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। शुक्रवार के दिन यहाँ सारी प्रसाद की दुकानें खुली होती हैं, आज तो कुछ ही खुली हैं और बहुत भीड़ भी बहुत होती है। भारत के अलग अलग जगह से यहाँ श्रद्धालु आते हैं अपनी मन्नत मांगने, और जिनकी मन्नत पूरी होती है वो फेरी देने आते हैं। और यहाँ पे प्रसाद में गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। देखिए प्रसाद के अलग अलग थालियां तैयार करके रखी हुई हैं, अलग अलग रेट्स की हैं, जो भी आपको चाहिए। और माता को अगर आपको चुन्नी चढ़ानी है तो वो चुन्नी भी है। तो यहाँ हमने भी एक प्रसाद की थाली ले ली। तो ये हमारी प्रसाद की थाली है। ये देखिए धागे हैं पहनने वाले, बड़े सुंदर लग रहे थे, वापस आके देखेंगे। मंदिर के बाहर यहाँ पे हनुमान जी भी विराजमान हैं। जय हनुमान। यहाँ भैरव जी की भी मूर्ति है। कहते हैं ना, जहाँ माता जी होती है वहाँ भैरव जी जरूर विराजमान होते हैं। माता खुद यहाँ स्वयंभू प्रकट हुई थी पहाड़ों के बीच में, और इनकी मान्यता बहुत है, बहुत चमत्कारी मंदिर है। कहते हैं जो भी यहाँ पे आप विश मांगते हैं आपको पूरी होती है। तो चलिए माता के मंदिर में देखिए, ये पहाड़ के नीचे माता के मंदिर प्रकट। संतोषी माता की जय हो। देखिए बड़ा सुंदर सी मूर्ति है। यहाँ भक्त श्री उदाराम जी की महाराज की मूर्ति भी है, इन्होंने यहाँ इनकी सेवा की थी। और यहाँ शिव परिवार भी विराजमान है, साथ में राधा कृष्ण जी भी हैं। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। यहाँ पे भैया को बोला कि जरा नारियल, जो नारियल हमने चढ़ाया था इसका नारियल निकाल दे ताकि हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। और ये हैं धागे, भाग में पहनने वाले अलग अलग तरह के, बड़े सुंदर लग रहे थे। इनका एक तो हम भी खरीद लेते हैं। तो ये मैं देख रही थी कौन से अच्छे हैं जो ले लें। जैसे मैंने बताया आपको, शुक्रवार के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है क्योंकि माता का दिन शुक्रवार को होता है। शुक्रवार वाले दिन बहुत भीड़ होती है और साथ में प्रसाद की भी दुकानें बहुत अच्छी लगी हुई होती है। और यहाँ महान नमकीन, मिर्ची बड़े, सब तरह की चीज़ें मिलती हैं जो कि बिना खटाई के होते हैं। कहते हैं शुक्रवार को खटाई वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए।
जहाँ सफाई कर्मचारी की बच्ची थी उसको मैंने बिस्किट और कुरकुरे के पैकेट दे दिए। ये हमें हमेशा अपने गाड़ी में रखती हूँ। हाँ, मैं आई, एक बिल्ली थी, बिल्ली को डाला और आप देखिए बिल्ली हिली नहीं, आराम से बैठ के खा रही है। और यहाँ मैंने और रख दिए, बाई चांस कोई कुत्ता या कोई बिल्ली या किसी और को कुछ चाहिए हो तो कुछ ले लेंगे, या फिर कुत्ते भी बहुत हैं। आए तो ये कुत्ते मेरे को दिख गए तो इनको भी मैंने बिस्किट डाल दिए, कुछ तो आराम कर रहे हैं, अभी इतनी भूख है नहीं इनको लगता है। और ये एक और जना आ गया, इसको भी डाल दिया, तो कुत्ते आराम से बिस्किट खाते हुए। माता के दर्शन बहुत अच्छे हो गए, जय संतोषी माता। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।